कांदिवली की सबसे प्रचलित दुर्गा पूजा जिसे बंगाली तौर तरीके से सजाया और मनाया जाता है। जी मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टी दी बंगाली एसोसिएशन की, जो बीते 20 सालों से कांदिवली के लोखंडवाला टाउनशिप में स्थित विश्वप्रिंग पॉम में स्थित बिल्डिंग के परिसर में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करते आ रही है। इस साल भी क्रिस्टी ने दुर्गा पूजा में पंडाल का अंदाज कुछ कुछ अलग तरीके से रखा है। इस साल पंडाल की नींव बंगाल कल्चर के तरीके से होते आ रही शादी पर रखा गया है, जिसमें पंडाल को पूरी तरीके से मैरून और सफ़ेद कलर दिया गया। वहीं पंडाल के अंदर शादी में लगने वाली वस्तुओं को देखा जा सकता है कि किस तरीके से बंगाल में शादी हुआ करती है। इतना ही माँ की छवि भी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध लाल सफ़ेद साड़ी से सजाई गई, जो देवी माँ की मूर्ति और आकर्षित करती है। वहीं इस पंडाल में रोजाना हजारों की तादाद में भक्तजन माँ देवी का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। वह इस पंडाल और संसद से जुड़े लोगों से जब हमने कुछ सवाल पूछे तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। पंडाल का जो हमारा डिज़ाइन है, ये बांकुरा का टेरेकोटा का डिज़ाइन है। हमने एक पैलेस का एक लुक दिया है, उसको हमने टेरेकोटा के स्टाइल में किया है, थोड़ा खुलापन है। और हम लोगों का इस बार का थीम है शुभ मिलन, वो बोल सकते हो कि शादी, बंगाली मैरिज। तो आप अगर देखोगे अंदर बहुत सारा एलिमेंट जो हमारी बंगाली शादी में यूज़ होता है वो सब है, जैसे कुलो हम बोलते हैं, फिर जोर हम बोलते हैं बेनारसी और ये का जोर है, तो सारे जो झरोके हैं उसमें सारे के सारे लगा हुआ है। हमारा आगे एक स्टॉल है बना हुआ, जो पूरा शादी का एक मंडप जैसा हमारा होता है उसी हिसाब से बना हुआ है। और मूर्ति भी हमारी जो है वो रेड एंड वाइट साड़ी में है। शादी के दिन सुबह जो दुल्हन का लुक होता है, हमने वो लुक दिया है माता के मूर्ति के लिए। सो ये थॉट प्रोसेस था। और बंगाल में देखा जाता है कि करोड़ों का पंडाल लगता है, जहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से देखने आते हैं, देश विदेश से। तो यहाँ पर भी विस्परिंग पाम कांदिवली में काफ़ी चर्चित आपका दुर्गा पूजा जी, तो यहाँ से कौन कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट या फिर बाहर से लोग आए थे देखने? देखो हमारा उद्देश्य है पूजा को अपने एकदम पूरी भक्ति से करना। सेलिब्रिटीज़ हम बोलते हैं आने के लिए, सेलिब्रिटीज़ आते भी है। अभी कौन कौन आएंगे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को निमंत्रण गया है। मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि नाम बताएंगे तो पूरी लोखंडवाला इधर आ जाएंगे, एक सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है सोसाइटी में होता है, इट्स हम बाहर किसी पार्क में या ग्राउंड में नहीं करते हैं। तो हमारा पहला जो एम है, उद्देश्य है, हम जो पूजा है उसको हम भक्ति के साथ करें, ना कि हमारा वो सेलिब्रिटी की तरफ उतना ध्यान नहीं रहता है। सच में बोले तो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। इस बार भी हमारा 20वां साल था, हमने ओपनिंग जो किया है, हमारे जो बुज़ुर्ग जो हमारे पहले साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी वो है, काफ़ी ये 20 साल में हमने काफ़ी लोगों को खो चुके हैं। अभी वो दो जन जो है हमारे पिता समान है, उन्होंने हमारा ओपनिंग किया, तो हम वो मान के चलते हैं जो इंडियन कल्चर है। सेलिब्रिटी तो है, हमारा उतना ध्यान सच में बोले तो उतना सेलिब्रिटी की तरफ नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्रिस्टी करके आपकी मतलब कल्चर है, कम्युनिटी है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या नाम, किस वजह से क्रिस्टी है? देखिए यह कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यह बंगाली कल्चर पूरा हम लोग प्रमोट करते हैं, या बंगाली कल्चर जो है हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं, उसी से ही हम लोग क्रिस्टी का ये बना है। और यहाँ पे सिर्फ पूजा ये नहीं है, ये सारे कल्चरल स्टैंडिंग बिसाइड द कम्युनिटी, ये भी सबका हम लोग का ये है कि हम लोग कम्युनिटी का भी ध्यान रखते हैं, सबका ही साथ एक साथ चलना और फिर सेलिब्रेट करना। आप अगर देखोगे हम बोलते हैं कि बंगाली दुर्गा पूजा है, लेकिन लोखंडवाला एंटायर लोखंडवाला में करीब 10,000 के ऊपर फ्लैट है, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब पीछे भी देखोगे अष्टमी का पूजा है, अंजलि है या संधि पूजा जो सुबह है, सारे के सारे बंगाली हो या नॉन बंगाली, बंगाली जो नहीं भी हो, सब आते हैं, सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो ये सिर्फ बंगाली का पूजा रहा नहीं, अभी थैंक्स टू संजय लीला बंसाली जी, उन्होंने हमारा कल्चर को बहुत ऊपर कर दिया। तो अभी सिंदूर खेला एक बड़ा इवेंट होता है यहाँ पे, जो हमारा सैटरडे 12 तारीख को होने वाला है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा लोखंडवाला के सब लोग आएंगे और सब रेड एंड वाइट साड़ीज़ में आते हैं, हमारे जैसे सज धज के आते हैं, तो
आपको पता नहीं चलेगा कौन बंगाली है कौन नॉन बंगाली है। सिंदूर खेला तो वो क्या होता है, उस दिन हम अभी दुर्गा माता जी अपने मायके आई है, माना जाता है मायके आई है, तो उस दिन विसर्जन के बाद हम उनको तैयार करते हैं ससुराल भेजने के लिए। तो ससुराल भेजते हैं, हम अपने लड़की को कैसे भेजते हैं, उनको आशीर्वाद करते हैं, उनको लाड़ प्यार करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो उसी तरह सिंदूर लगाते हैं। जो विवाहित होते हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है, तो हम माँ को सिंदूर लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, सो कुछ रिचुअल्स है वो सब करते हैं, फिर उनको विदाई के लिए तैयार करते हैं। और उसके बाद उनको सिंदूर लगाने के बाद लेडीज़ लोग आपस में सिंदूर लगाते हैं, जैसे हम लोग होली खेलते हैं वैसे रंग नहीं चढ़ता है, लेकिन गाल में फेस में हम लोग उसको सिंदूर खेला बोलते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा म्यूज़िक चलता है, ढाक जो आपने देखा अभी, धुनुर्ची डांस पूरा दिन चलेगा, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और हमारा विसर्जन अगले दिन होगा, शनिवार को हम विसर्जन नहीं करते हैं, इसलिए इस बार शनिवार पड़ा है, तो हम लोग संडे को विसर्जन करेंगे। वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुका है। हमारे बंगाली ट्रेडिशन में मत्स्य मतलब मछली को बहुत शुभ माना जाता है। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि बेटी जब घर आती है तो हम लोग जब विदाई करते हैं तो नॉर्थ में जैसे दही खिलाया जाता है, हमारे में मत्स्य खिलाया जाता है, तो बेटी को मत्स्य मुख करके हम घर से विदा करते हैं। तो ये एक हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। आप देखेंगे तो हमारे जो देवियों के मंदिर हैं, सब मंदिर में हमारे मत्स्य भोग भी होता है, तो जिसमें वैरायटी ऑफ मतलब मत्स्य को इज़ नॉट कंसिडर्ड एज उसको प्रसाद के हिसाब से दिया जाता है, डीएनए एकदम डीएनए में है, मच्छी भात डीएनए में है, अच्छी बात। और ये हमारा बंगाली ट्रेडिशन में बहुत तो पूजा में हम लोग नहीं करते, लेकिन बाहर डेफिनेटली हम लोग करते हैं। और पूजा के जो दिन है हम उपवास भी रखते हैं। और जैसे संधि पूजा होता है, संधि पूजा के बाद हम लोग नवमी पूजा में के बाद मतलब वो टाइम पे हम लोग नॉन वेज खा सकते हैं। तो यही हमारे लास्टली आपसे सवाल, आप लोगों से सवाल ये रहेगा कि जो आपका ये पूरा दिन का भारत संडे तक है इवेंट है, हाँ, तो अभी दोपहर को हमारा एक फोक बैंड है, लोकल बैंड है, उनका प्रोग्राम है अभी चालू होगा, जो आप लोग देख सकते हो, गानवाला लाइव। शाम को हमारे जो मेंबर्स ने एक प्रोग्राम तैयार किया है म्यूज़िकल, वो भी होगा 8:30 बजे से होगा। कल हमारा दोपहर को हमने एक सीनियर सिटीजन्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखा है, वो लोग परफॉर्म करेंगे। उनके बाद एक है हमारा अपना बच्चा समझ सकते हो, ऋषभ पंचाल लाइव, इज़ अ अपकमिंग सिंगर, यूट्यूब में और फेसबुक में बहुत एक्टिव है, तो ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म। शाम को दुर्निबा शाह करके एक बंगाली सिंगर है, प्रीटी फेमस, कोलकाता का बहुत फेमस सिंगर है बंगाल का, सब हमारा यही रहता है कि आइदर लोकल टैलेंट को हम प्रोत्साहन मतलब उत्साह दें या कलकत्ता से लाए। अगेन मैं बोलूँगी सेलिब्रिटी की तरफ हम लोग जाते नहीं हैं, प्रमोट बंगाली कल्चर, बंगाली जो भी है। इवन बॉम्बे में जितने बंगाली सिंगर्स हैं, जैसे 12 तारीख को दोपहर को मेखला दासगुप्ता आ रही है कलकत्ता से गाना गाने के लिए, उनके तुरंत बाद पिंटू मुखर्जी है जो यहाँ का है, वो गाना गाएंगे, तो ऐसा है। और एक काया बैंड करके आएगा, वो भी कलकत्ता से है, तो काफ़ी बंगाली और नॉन बंगाली का मिश्रण है। लास्टली बंगाली फैंस की या फिर जो पब्लिक है उनके लिए कुछ बंगाली में हो जाए कुछ इनवाइट, আমাদের কৃষ্টির দুর্গা পুজো, আমরা আমাদের 20 বছর হলো, আমরা আজ এবছর খুব সাবেগীভাবে পুজোটা করার চেষ্টা করছি, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আমাদের দুর্গা পুজোর দেখতে আসার জন্য। 12 তারিখ অবধি আমাদের দুর্গা ঠাকুর থাকবেন, আর 12 তারিখে আমাদের সিঁদুর খেলা হবে, আপনারা সবাই আসবেন দেখবেন আর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করবেন। কৃষ্টির তরফ থেকে ধন্যবাদ।